ब्रिटानिया सॉरी ब्रिटानिया वोल्टास इन्फोसिस डेट ऑपरेटेड कर रहे हैं। अच्छा शर्मिला जी, एक आखिरी फंडामेंटल कॉल आपसे लूंगा रिलायंस के नतीजों के साथ। आई मीन उनके अगर आप एक वर्टिकल पे बात करूं, आई मीन एक तो रिटेल में बहुत अच्छे हालात ना होने के बावजूद अगर आप देखें उनकी रिटेल चेन खोलने को एक्सपेंड करने का क्रम काफ़ी स्ट्रांग रहा, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट रही आरपूज 148 की एक्सपेक्टेशन थी, इट्स 151.6। इस प्रश्न को सिर्फ रिलायंस तक सीमित नहीं रहते, आज सुबह शैल जी ने अगर आप देखें बहुत अच्छा एक एनालिसिस प्रस्तुत किया था। इस चीज़ को आप इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से देखिए और इस वक्त दो ही स्ट्रांग प्लेयर्स हैं। आप रिलायंस के नतीजे, उसमें से भी जियो के नंबर्स, उसमें से भी अगर आप देखें आरपू के नंबर्स को कैसे रीड कर रही हैं, और भारती पे और रिलायंस पे आपका टेक इन लेवल्स पे। Yes, I think coming to tariff hikes, शायद जियो was the last to take the tariff hike, और उसके पहले वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने ले लिए थे। और अगर आप गैप देखें आरपूस में, then I think probably वोडाफोन आइडिया is at the lower end of the spectrum, और भारती एयरटेल could be higher and जियो would be somewhere in between. तो मुझे लगता है कि दिस बेनिफिट फॉर जियो विल इन फैक्ट विल बी ग्रेटर इन द नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि उन्होंने लेट लिया था और वो बढ़त उनकी और रिफ्लेक्ट होगी आने वाले क्वार्टर में। उनके लिए चिंता का विषय यही था कि उनके सब्सक्राइबर बेस में पहली बार हमने डेंट देखा, सो हाउ डू दे रियली प्लान टू गेट दैट बैक, और 5G का क्या स्टेटस है। आई थिंक कमिंग टू योर क्वेश्चन, भारती एयरटेल जियो बोथ बिजनेसेस, आई मीन ये तो सब जानते ही है कि टेलीकॉम बिजनेस एक बहुत हाई केपेक्स बिजनेस है, एंड द स्ट्रॉन्गर योर बैलेंस शीट इज द बेटर इट इज फॉर यू। तो अगर जियो आज की तारीख में कहता है दैट दे आर रेडी विद 5G रोल आउट इन आई थिंक दे सेड सम 100 सिटीज और सम नंबर ऑफ सिटीज लाइक दैट, तो इस तरह की बात है अगर, देन दे आर डेफिनेटली इन अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन गोइंग अहेड। तो बिकॉज इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कंबाइंड प्ले, और आपको रिलायंस एज अ होल देखना है और जियो इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बट डेफिनेटली अगर आप सिर्फ टेलीकॉम वर्टिकल देखें तो प्रॉबेबली जियो इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ प्योर लाइक प्राइस पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है शायद वोडाफोन आइडिया के लिए काफी अभी उनकी इक्विटी भी प्लेस हो गई एंड ऑल दैट, तो शायद उनके लिए रिकवरी हो सकती है बिकॉज उनके सब्सक्राइबर्स काफी दोनों ने कैनिबलाइज किए थे, दोनों जियो और भारती एयरटेल ने काफी उनके सब्सक्राइबर्स ले लिए थे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट ऑन पेपर टुडे आई थिंक जियो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये रणनीति आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेलीकॉम यूनिट पर चर्चा करती हुई दिख रही हैं शर्मिला।